नवरोज 2023। क्या नवरोज 2023 पता ही नहीं तुम लोगों को क्या होता है? भाइयों, अगर आप लोगों को नहीं पता कि नवरोज 2023 क्या है तो आज आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ ये 2023 का नवरोज है क्या, नवरोज होता क्या, ये कौन सा त्यौहार और ये गूगल पर ही क्यों सेलिब्रेट हो रहा। भाइयों, अगर आज आप लोग है ना गूगल का टैब ओपन करोगे ना तो आप लोगों को कुछ एकदम हरा भरा एकदम ग्रीनरी टाइप ऐसे व्यू मिलेगा कि पेड़ पौधे सब लटक गए हैं गूगल के ऊपर एंड गूगल का डूडल एकदम हरा भरा हो चुका है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हरा भरा क्यों बना दिया गया है, ज़रूर आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। तो आज मैं इस त्यौहार का खुलासा करने वाला हूँ, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का मेरे चैनल पे एंड मैं हूँ ध्रुव एंड आप लोगों देख रहे हो ध्रुव ब्लॉग एंड आज आप लोगों को पता चलेगा नवरोज 2023 क्या होता है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अपना नया एपिसोड। नवरोज 2023, तो भाइयों ये त्यौहार ज़्यादातर ईरानी या फारसी लोगों में मनाया जाता है एंड ये त्यौहार में जैसे आप लोगों को दिवाली में मम्मी काम पे लगा देती है कि झाला साफ़ करो, ये साफ़ करो, बंगा साफ़ करो, तो पता है ना। तो उसी तरह सेम इस नवरोज 2023 के त्यौहार में ईरानी और फारसी लोग सारे बुरे खतरों की सफाई करते हैं एंड सारे लोगों के उधार वगैरह सारे चुका देते हैं ताकि सब लोग इस त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाए और दुश्मनों की ओर भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है और मिठाइयाँ बंटवाई जाती है। और आप लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल कि गूगल पर ऐसे ग्रीनरी एकदम पेड़ पौधे और हरा हरा कलर एकदम क्यों दिख रहा है, गूगल का डूडल ऐसा क्यों हो गया है, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो ये ईरानी और ये फारसी लोगों का त्यौहार है जिसका नाम है नवरोज, नवरोज और 2023 में ये मनाया जा रहा है जो कि है नवरोज 2023। तो ये है एक ये जो त्यौहार है वो शांति का प्रतीक है, तो इसके लिए गूगल के डूडल ने उसको पूरा हरा भरा कर दिया है, इसलिए उसका चित्र ऐसा लग रहा है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो त्यौहार है नवरोज 2023 ये 3000 साल पुराना त्यौहार है, ये आज का बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहिए ये 3000 साल पुराना त्यौहार है, मैं एक बार वापस से बोल रहा हूँ 3000 साल, अगर आप नंबर देखोगे बहुत ही पुराना त्यौहार है और ये ईरानी और फारसी लोग में काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो भाइयों, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना यारो, और आप लोगों को नवरोज 2023 की ढेर सारी बधाइयाँ एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।